ग्राम जिम में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगा बादाम मिल्क शेक। मेरे वास्ते मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, कस्टर्ड पाउडर लिया, चीनी है, बादाम, पिस्ता काजू बिल्कुल मैंने बारीक काट लिया, 20 के आसपास मैंने बादाम भिगो के रखे थे उनको छिल लिया है, इनको मिक्सचर में ग्राइंड करूंगा। और ये थोड़ा दूध मैंने अलग से रखा है ताकि इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाना है। पहले मैं दूध गर्म करने को बादाम मैंने मिक्सचर बिच बिल्कुल बारीक कर लिया। हम मैं लगाऊंगा 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, जो मैंने दूध पहले से ठंडा रखा हुआ था उसमें मिला लूंगा। इन बिल्कुल मैं मिक्स कर दे रहा ताकि इसका दाना ना रहे। दूध गर्म रखा हुआ है इसमें थोड़ा सा केसर मिला दूंगा। जो कटे हुए मैंने मिक्सर किए हुए बादाम है ना वो डाल दूंगा। मैंने पिस्ता काजू बादाम काट के रखे हैं वो आधे आधे इसमें मिला दूंगा। चीनी मैंने रखा हुआ है, मैं इसमें मीडियम 6 चम्मच भी डाल रहा हूँ चीनी के। अब इसी तरह मिक्स हो गया, दूध अच्छी तरह पक गया है। अभी जो कस्टर्ड पाउडर है वो मैं हौली हौली मिलाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, और इन्हें बराबर एकदम हिलाऊंगा भी रहूंगा। चार मिनट तक क्रीम पकाऊंगा मगर इन्हें बराबर हिलाना पड़ेगा। शेक बिल्कुल तैयार है, मैं गैस बंद कर देंगे, इनको पहले ठंडा होने देंगे, फिर 3-4 घंटे इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। मिल्क बादाम शेक में मैं एक जग पा लिया हूँ, इन 4 घंटे वास्ते मैं फ्रिज रख देंगे ठंडा होने दे। पर तो ठंडा हो गया मैं फ्रिज रखा सका। मैंने पिस्ता बादाम काजू सब कट करके इन्होंने जरा सजावट ले। बादाम मिल्क शेक बहुत ही अच्छा बनया, तुसी भी इसी तरह अपने घर बनाने की ट्राई कर सकते हैं। मेरा अगर वीडियो तो पसंद आता है तो वीडियो नो लाइक जरूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल नो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का बटन भी जरूर दबा देना ताकि जो भी मैं अगर तो होर वीडियो बनावा उसका नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिलता रहे।